भारत देश में कई महान संत और कवि हुए हैं जिनका योगदान आज भी लोग भूले नहीं हैं। संत रविदास जी उन्हीं महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार को आत्मज्ञान, एकता और भाईचारे का संदेश दिया। रविदास जी से प्रभावित होकर अनेकों लोग भक्ति के मार्ग से जुड़े। गुरु रविदास जी के वचनों में इतनी ताकत थी कि लोग उनसे दूर दूर से मिलने आते थे। कहा जाता है कि अपने भक्तिमय गानों और दोहों की वजह से उन्होंने भक्ति मूवमेंट के उपदेशों को लोगों तक पहुंचाया था। रविदास जी के अनुयायी आज भी उनके द्वारा बताए गए उपदेशों का आचरण करते हैं और उनकी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आइए जानते हैं वर्ष 2022 में संत रविदास जयंती कब है। इतिहासकारों के मुताबिक संत गुरु रविदास जी का जन्म 1377 ईसा पूर्व में वाराणसी के मंडू आढ़ी में हुआ था। वहीं वैदिक पंचांग के अनुसार ये कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन गुरु रविदास जी का जन्म हुआ था, इसलिए माघ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि को संत रविदास जयंती पूरे भारतवर्ष में, मुख्य रूप से उत्तर भारत में, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। साल 2022 में संत रविदास जयंती 16 फरवरी बुधवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 15 फरवरी को रात 9:40 पर होगी और इसका समापन अगले दिन 16 फरवरी को रात 10:30 पर होगा। संत गुरु रविदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। ऐसे में इनके जन्मदिन यानी माघ पूर्णिमा के दिन दुनिया भर से लोग काशी पहुंचते हैं जहां भव्य उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा रविदास जी की जयंती को सिख धर्म के लोग भी बेहद श्रद्धा से मनाते हैं। इस दिन के दो दिन पहले गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ किया जाता है। इसके बाद कीर्तन दरबार होता है, साथ ही रागी जत्था गुरु रविदास जी की वाणियों का गायन करते हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में संत रविदास जी को आध्यात्मिक गुरु के रूप में पूजा जाता है। भक्त उनके जन्म दिवस पर घर या मंदिर में बनी उनकी प्रतिमा पर गंगा जल चढ़ाते हैं और पूरी निष्ठा से माला फूल चढ़ाकर उनकी पूजा करते हैं। संत रविदास जी को रैदास, रोहिदास या रोहिदास के नाम से भी जाना जाता है। इनके जन्म स्थान को अब श्री गुरु रविदास जन्मस्थान कहा जाता है। इनकी माता का नाम कलसा देवी एवं पिता का नाम संतोख दास जी था। रविदास जी के पिता राजा नगर राज्य में सरपंच हुआ करते थे। उनका जूते बनाने और सुधारने का काम हुआ करता था। रविदास जी बचपन से ही बहुत बहादुर और भगवान को बहुत मानने वाले थे। रविदास जी को बचपन से ही उच्च कुल वालों की हीन भावना का शिकार होना पड़ा था। वे लोग हमेशा इस बालक के मन में उसके उच्च कुल के ना होने की बात डालते रहते थे। संत रविदास जी ने गंगा नदी के तट पर अधिकांश समय आध्यात्मिक गतिविधियों में बिताना बचपन से ही शुरू कर दिया था। इसी कारण संत रविदास जी का ज्यादातर जीवन सूफी संतों, साधुओं और तपस्वियों के साथ बीता। रविदास जी जैसे जैसे बड़े हुए, भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति बढ़ती गई। वह हमेशा राम, रघुनाथ, राजा रामचंद्र, कृष्णा, हरि गोविंद आदि शब्द उपयोग करते थे। गुरु रविदास जी ने अनेक कुरीतियों में प्रहार करते हुए समाज को एकता के सूत्र में लाने का मंत्र दिया था। रविदास जी ने समाज को बदलने के लिए अपनी कलम का सहारा लिया। वे अपनी रचनाओं के द्वारा
जीवन के बारे में लोगों को समझाते, लोगों को शिक्षा देते कि इंसान को बिना किसी भेदभाव के अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। भक्ति काल में जन्मे भारत के महान रहस्यवादी कवि संत रविदास के भक्ति गीतों और छंदों ने भक्ति आंदोलन पर एक स्थायी प्रभाव डाला था। इन्हीं की शिक्षाओं और विचारों से मीराबाई समेत कई संत, साधु साध्वी आदि प्रभावित थे। संत रविदास जी की कई कविताओं को सिख धर्म के पवित्र ग्रंथों में भी शामिल किया गया है। गुरु रविदास आज के रविदासिया धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। आइए संत रविदास जी की जयंती के मौके पर जानते हैं उनके अनमोल विचारों से जुड़ी एक कथा। कहते हैं कि एक बार एक महिला संत रविदास के पास से गुजर रही थी। संत रविदास लोगों के जूते सिलते हुए भगवान का भजन करने में मस्त थे। तभी वह महिला उनके पास पहुंची और उन्हें गंगा नहाने की सलाह दी। फिर क्या, संत रविदास जी ने कहा कि जो मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी यदि आपका मन पवित्र है तो यही गंगा है। कहते हैं इस पर महिला ने संत से कहा कि आपकी कठौती में गंगा है तो मेरी झुल्ली गंगा में गिर गई थी, तो आप मेरी झुल्ली ढूंढ दीजिए। इस पर संत रविदास जी ने अपनी चमड़ा भिगोने की कठौती में हाथ डाला और महिला की झुल्ली निकाल कर दे दी। इस चमत्कार से महिला हैरान रह गई और उनके प्रसिद्धि के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।